पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं उमर हॉस्पिटल एंड कार्डियक सेंटर जोहर टाउन में प्रैक्टिस करती हूँ और मैं गुज़श्ता 15 साल से गायनी के सोबे से मुंसलिक हूँ। हमारी जो यंग बच्चियाँ हैं अक्सर कंप्लेन करती हैं कि पीरियड्स के दौरान उन्हें एक या दो दिन बहुत शदीद दर्द रहता है। वजूहात भी पूछते हैं लोग, उसका हल भी पूछना चाहते हैं, क्योंकि बच्चियाँ टीनेजर्स छोटी होती हैं, स्कूल कॉलेजेस इफ़ेक्ट होते हैं उनके, इसकी वजह से बच्चे वैसे भी ज़हनी तौर पर अपसेट हो जाते हैं। और फिर कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो कि शादीशुदा हैं, बच्चों वाली हैं, उनके अंदर ये लेटर ऑन भी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। जो छोटी बच्चियां हैं उनके अंदर एक या दो दिन का जो बच्चियों में मेंस्ट्रुएशन के साथ पेन होती है वो फिजियोलॉजिकल है, यानी ये एक कुदरती अमल है। जब बच्चियों का मेंस्ट्रुएशन के शुरू होती है तो इस दौरान जो ब्लड है वो बाहर जब निकलता है, बच्चेदानी का मुंह नरम होता है, तो उस वेव से डालसी एक होती है जो डिस्कम्फर्ट बच्चियों को होती है। इसमें ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। अगर लेकिन आपका बच्चा अपसेट हो रहा है और पेन फील कर रहा है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। जो कुछ लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा ये दर्द होता है उनमें और वजूहात हो सकती हैं, यानी कोई बीमारी हो सकती है या कोई और सॉलिड वजह हो सकती है। वो वजूहात क्या हैं? या तो रसौलियाँ हो सकती हैं बच्चेदानी के अंदर, या फिर ये है कि एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब होता है कि जो बच्चेदानी की अंदरूनी झिल्ली है वो जिस्म के पेट के अंदर किसी और जगह पर भी है और उसमें भी ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, ये एक सीरियस कंडीशन होती है जिसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है अगर आप अर्ली अपने डॉक्टर के पास चले जाएं। या फिर ये हो सकता है कि इन्फेक्शन है और या फिर कॉपर आईओसीडी हो सकती है बच्चेदानी के अंदर, उसकी वजह से भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होती है। ये पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को हम डिसमेनोरिया बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। जो मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शन और वो कॉपर आईओसीडी या छल्ला जो खवातीन ने रखवाया होता है वो यूजुअली उन्हीं लोगों में ही होता है जो बाद में, यानी 30-35 साल की उम्र में, जिनको ये प्रॉब्लम शुरू होता है। तो उनके इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के साथ और अगर ये कॉपर आईओसीडी निकलवा दें तो उसके साथ इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। और जो जिन लोगों में कोई वजह नहीं मिलती और ये इतना ज़्यादा होता है कि उन्हें डेली अपना काम करने में मुश्किल पेश आती है, तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि वो इनके लिए कोई एडिक्वेट पेन किलर एडवाइस कर देंगे। और इन पेन किलर्स की एक वाइड रेंज हमारे पास होती है कि पेशेंट किसको रिस्पॉन्ड कर सकता है। सो इट इज़ पॉसिबल कि आप इस पेन से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जो आप वैसे नेचुरली घर पे चीज़ें कर सकते हैं वो ये है कि आप वार्म मसाज कर सकते हैं, जो पानी वाली बॉटल होती है उसके साथ मसाज कर लें पेट के आगे, या कमर पे कर सकते हैं, दबवा सकते हैं। और इसके अलावा आप थोड़ा रेस्ट करें, वार्म रहें, तो इससे छुटकारा हासिल हो सकता है। वैसे ये एक से दो दिन ही मोस्टली रहता है जो कि ख़त्म हो जाता है, इसमें परेशानी की बात नहीं होती। लेकिन जिनका ये लंबा चलता है वो प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ और अपनी वजूहात का पता करें। थैंक यू। मेरा ख्याल है कि आपको इस सेशन के बाद थोड़ी सी हेल्प मिली होगी अंडरस्टैंड करने के लिए कि डिसमेनोरिया या पेनफुल मेंस्ट्रुएशन कब परेशानी की बात हो सकती है। इस मामले में अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत हो आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।